हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 100 जीके करा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है। तो अगर आप लोग भी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को 500 जीके वन लाइनर कराने वाला हूँ, जो कि बिहार कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो। क्वेश्चन नंबर 111, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44,212। क्वेश्चन नंबर 102, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 103, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। 104 क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान का। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा थार। क्वेश्चन नंबर 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिप्रा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 114, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा उडंट मार्टंड। क्वेश्चन नंबर 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधि में। क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस। क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेंस, यूनान में 1896 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में मास्को में जीता था। क्वेश्चन नंबर 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 127, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में 2012 में ओलंपिक खेल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124, ओलंपिक ध्वज में कितनी गोले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। क्वेश्चन नंबर 126, सन 2020 में
ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो में, जो कि जापान में है। क्वेश्चन नंबर 127, 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1900 में। क्वेश्चन नंबर 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 130, ब्लैक टू द वेदास, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद। क्वेश्चन नंबर 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कारण मिल्क फीवर बीमारी होता है किसमें? तो पशु में। क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की जुनको तबाई। क्वेश्चन नंबर 140, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, या फिर उसको लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम के से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 143, एपीजी गैस एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 144, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अनंग देव ने। क्वेश्चन नंबर 150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 151, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 152, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 153,
चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 155, मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होता है? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 206। क्वेश्चन नंबर 156, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 157, मादा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 159, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 160, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी से। क्वेश्चन नंबर 162, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 163, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 164, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 165, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 166, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 167, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। क्वेश्चन नंबर 168, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 169, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 173, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 174, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 176, वेदों की ओर लौटूं का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 177, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 178, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 179, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्वेश्चन नंबर 180, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 181, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 182, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 183, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 184, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक नाम बताएं? आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत का सबसे वीरता पदक जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 185, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 186, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 187, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। क्वेश्चन नंबर 188, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 189, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 190, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि सन 1975 में छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 191, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बान की मूल। क्वेश्चन नंबर 192, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 193, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 194, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 195, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 196, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 197, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 198, चीन की मुद्रा कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 199, रेडॉक्स के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी डुनांट। क्वेश्चन नंबर 200, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिलिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसा वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।